हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। फाइनली जो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे जिस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, वो वीडियो फाइनली आप लोग के पास आ चुका है। तो फर्स्ट बता दें, एडवर्टाइजिंग जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों ने पर्सनल मैसेज किया था, प्लस कमेंट में भी ऐड किया था, सर एडवर्टाइजिंग का एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आप अपलोड कर दीजिए ताकि हम लोग प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चालू कर दें। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग का सिलेबस आपने देखा रहेगा, चार यूनिट में डिवाइड है। सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ आप लोग को। तो पेपर एंड सिलेबस आपने देख चुका, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न आपने देखा है पहले से ही। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे जो पहले से वीडियो जानते हैं कि हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं यहाँ पे रेड कलर से टिक कर रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं करना है कि आपको वीडियो शॉर्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए और चले गए। ध्यान से समझना है किस वे से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक कवर करेंगे, मीन्स आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो भी चीज ध्यान में रखना है। अब मैंने यहाँ पे दो मॉड्यूल का लिखा है, वो भी ध्यान में रखना, मॉड्यूल वन एंड टू का लिखा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, हर मॉड्यूल, मॉड्यूल वन टू थ्री एंड फोर, मीन्स चारों जो हमारे यूनिट हैं वो तीन सब पॉइंट्स में डिवाइड होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। ए बी सी, ए बी सी मॉड्यूल थर्ड में भी हम लोग देखेंगे ए बी सी, एंड लास्ट में भी देखेंगे ए बी सी, मतलब हर यूनिट ए बी सी तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। और हर पार्ट में आप देखोगे फाइव सिक्स एंड फोर, फोर क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। क्लियर है। सिमिलर यहाँ पे भी आपको कुछ दिखेगा, फाइव फोर थ्री, ऐसे ही दिखने वाले कुछ। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि हर एक मॉड्यूल, अगर मैं लॉन्ग आंसर की बात करता हूँ, ध्यान से समझना हर एक चीज, लॉन्ग आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पे इसमें से, मतलब मॉड्यूल वन का यहां से एक क्वेश्चन रहेगा, किसमें, ए वाले पार्ट में से एक क्वेश्चन, बी पार्ट से एक क्वेश्चन, सी पार्ट से एक क्वेश्चन रहेगा। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको खुद को लेना है। मैं तो ऑलरेडी हर एक सब, मीन्स अगर मैं बात करूं ए बी सी सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, बट डिसीजन आपको लेना है कि आपको कौन सा इजी पढ़ रहे हैं। तो कॉमन सेंस है भाई, जिसमें कम क्वेश्चन दिखेंगे बच्चे वही सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं मॉड्यूल वन का, तो ए वाला जो पार्ट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, अगर कोई बंदा ये ए वाला पार्ट डिसाइड करेगा तो उसमें से देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देखो इसमें कितने पांच हैं, बट आपको सेलेक्ट करने स्टार्टिंग के दो, कौन से दो, एक तो फीचर्स ऑफ आईएमसी मींस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सबसे पहला क्वेश्चन पिक कर लेना है ये। सेकंड, अगर आप ये वाला पार्ट ले रहे हो तो उसमें लेना है आपको रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन आईएमसी। क्या बोला गया, आप देखो सिंपल सा मॉड्यूल में एक दो तीन, तीन पार्ट है, तीन में से दो पार्ट आपको करना है, एक आप ऑप्शन में रख सकते हो। ध्यान से समझ रहे हैं, तीन में से दो ही करो, तीनों मत करो, कोई रिस्क मत लेना, तीनों करने की जरूरत नहीं है, तीनों वही बच्चे करेंगे जिनका ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, अदरवाइज तीसरे में आप वही करो ना जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया है, बस अब बाकी आप मत करो वो चीज। अब जैसे बहुत सारे बच्चे देख के डिसाइड कर देंगे, सर हम लोग ए करेंगे, सी वाला पार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें पांच क्वेश्चन आपने दिए, इसमें चार क्वेश्चन आपको दिख रहे, प्लस ये पांच में भी पहले कौन से करूंगा मैं, ये दो कर लूंगा। क्लियर हो गया। बट जो बच्चे अगर बी वाला पार्ट डिसाइड करेंगे मींस एडवर्टाइजिंग, तो इसमें देखो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट टिक किए हैं, एक तो फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पहला क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग फाइव स्टार देके रखा है, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी का, बी वाले का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, थर्ड हो गया। एंड अगर सी, सब लोग सी तो डिसाइड ही करेंगे, ए एंड बी में ऑप्शन ले सकते हैं बच्चे, बट मैंने सजेशन दिया है आपके ऊपर डिपेंड है, आप ए में भी जा सकते हो बी में, बट मोस्ट बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे ए में जाएंगे क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस आपको कम दिख रहे हैं। सी में तो कोई डाउट ही नहीं, सी में हर कोई जाना चाहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, जो कि तो मीडिया फंक्शन दो, मतलब एक एक के बेस पे आएगा सिंपल सा, तो मीडिया हर कोई, मीडिया और फंक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो पहले ये दो कवर करना है, बाद में ये दो कवर करना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये दो कवर ही नहीं करना है, कवर करना है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये दो बट पहले कवर करना है, मतलब जिस पे मैंने मार्क किया उसको पहले कवर करना है। और हाँ, इसका अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा, नहीं नोट डाउन कर पाएगा, तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर जो हमारा था उसके थ्रू आपको शेयर हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी वे में मैं आपको क्या करा लूंगा कि पीडीएफ बना के दे दूंगा, एंड जो इंपॉर्टेंट है उसके बाजू में कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर दूंगा, तो आपको समझ आना, जो बच्चा जो डिसाइड करेगा उसके बेस पे वो ले लेगा। तो आई थिंक मॉड्यूल वन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, फिर से क्लियर कर दें, ए पार्ट से एक क्वेश्चन बनेगा, बी पार्ट से एक क्वेश्चन बनेगा, सी पार्ट से एक क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हो गया। अब
और डिसाइड मैंने क्या बोला, दो सब पार्ट्स करना, मतलब ए बी सी में से कोई दो ही डिसाइड करना। अगर किसी ने ए और सी डिसाइड किया उसको ऑलरेडी कवर करके हो चुका है, तो बी से बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ये वाला एक क्वेश्चन भी कवर कर लेना जिसमें मैंने 5 स्टार्स रखा है। आई होप आपका मॉड्यूल 1 क्लियर हो गया होगा, मतलब 20 मार्क्स क्लियर हो गया रहेगा। मॉड्यूल 2 की बात करेंगे, अगले 20 मार्क्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले आप समझ लो, देखो यहाँ पे ए बी सी क्लियर हो गया, तो बहुत सारे बच्चे सी तो डिसाइड करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक ही क्वेश्चन को मैंने 5 स्टार करके रखा है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ए कैरियर इन एडवर्टाइजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने सी डिसाइड किया तो वो तो कॉमन सी बात है, वो क्वेश्चन एकदम परफेक्ट करना है, बाद में ये 2 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर हो गए, पहले आपको ध्यान रखना जितने में मैंने स्टार किया वही करने हैं। सॉरी, अगर आपने ए डिसाइड किया बी डिसाइड किया, तो ए बी में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बी डिसाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको यहाँ पे 4 दिख रहे हैं। 4 अगर आपने डिसाइड किया तो देखेंगे क्रिएटिव पिच मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार से दिख रहा है। शॉर्ट नोट्स के लिए तो क्लियर करके रखना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड फर्स्ट हमारा मेंटेनिंग एजेंसी क्लाइंट्स रिलेशनशिप 3 स्टार करके रखा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इतना चाहिए, एक सिंपल सा नोट डाउन आप करो। अगर मैं बी डिसाइड कर रहा हूँ तो सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 4। सर 4 क्वेश्चन करने का, हाँ करने बट कम, जब आपका ये इंपॉर्टेंट वाला हो जाए तो आप करो। और ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो करना ही नहीं है, बट ये बोल रहा हूँ कि एक सिंपल सा मैं अपने तरीके से इंपॉर्टेंट डिसाइड किया हूँ, कहा भाई ये 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि हर टॉपिक से वही क्वेश्चन पूछे, हो सकता है कि क्वेश्चन चेंज कर दे, रीजन ऑफ क्लाइंट टर्नओवर पूछ ले तो बोलेंगे सर जो आपने बोला। मैंने इसीलिए बोला कि अगर आपने बी यूनिट ये वाला पार्ट डिसाइड किया है, सी डिसाइड किया है, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो चीज करो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, वो होने के बाद ही अदर क्वेश्चंस करना है। क्लियर हो गया। और अगर कोई ए वाला पार्ट डिसाइड करेगा, मतलब बी कर लिया सी कर लिया, ए से आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि 5 स्टार्स रखा है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग, और ये वाला शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 ये हो गया आपका, 20 ये हो गया, प्लस शॉर्ट नोट्स भी बता रहा हूँ, बट शॉर्ट नोट्स इसी में ऑलरेडी आपका इंक्लूड है, तो 20 नहीं काउंट करना, 25 50 मार्क्स का हो गया। क्लियर, शॉर्ट नोट्स इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे, आई थिंक आपको मॉड्यूल 1 एंड 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा, तो मैं थोड़ा टाइम के लिए साइड हो जाऊंगा ताकि आप लोग स्क्रीन शॉट ले सको एंड बाद में नोट डाउन कर सको। जो बच्चे मैंने बोला नोट डाउन नहीं कर सकते या फिर नहीं उनको क्लियरिटी यहाँ पे दिख रही होगी, तो उसका पीडीएफ भी आपको शेयर हो जाएगा, आप पीडीएफ साथ में लेके बैठेंगे और हर एक चीज हम लोग ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मॉड्यूल 3 एंड 4 के बारे में। बात करेंगे मॉड्यूल 3 एंड 4 के बारे में बात करेंगे, और अच्छे तरीके से जैसे मैंने बोला था एडवर्टाइजिंग में जिस वे से आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे, आपका 100 मार्क्स का कंप्लीट पेपर कवर हो जाएगा इसी के अंदर में। मॉड्यूल 3 की बात करेंगे, ए बी एंड सी 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है टॉपिक, तो इसमें मैं सजेशन दूंगा बी एंड सी आप पार्ट आप करके जाओ। तो अगर किसी ने खुद से डिसाइड किया कि नहीं ए वाला पार्ट मैं करके जाऊंगा किसी एक के ऑप्शन में, तो करके जा सकता है, कोई इशू नहीं है, बट मेरा सजेशन है कि आप बी करो एंड सी पार्ट करो। उसका रीजन है कि बी में देखो क्वेश्चंस काउंट कर लो, 4 यहाँ पे दिख रहे हैं, 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 यहाँ पे दिख रहे हैं, बट ठीक है सर बी तो समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बी तो समझ में आ रहा है, 3 क्वेश्चन इसलिए आपने बोला बी करो, बट सी में भी 4 है, ए में 4 है, तो क्यों हम लोग सी वाले पार्ट को करेंगे। अब पहले देखो बी वाले पार्ट सोशल एस्पेक्ट की अगर बात करेंगे, एथिकल इश्यू इन एडवर्टाइजिंग, ये क्वेश्चन पहले कर लेना। सेकेंड हमारा सोशल एंड कल्चर इश्यू इन एडवर्टाइजिंग, ये 2 क्वेश्चन सबसे पहले कंप्लीट करना है आपको, 3rd वाला लास्ट में करना है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सी वाले पार्ट की, तो रोल ऑफ ASCII मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर के लिए, मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके जाना है। यहाँ पे एक चीज क्या होता है ना कि लॉन्ग आंसर 90% में बोलूंगा कि फिक्स है कि यही आपका लॉन्ग आंसर आएगा, कौन से वाले में, सी वाले की बात करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा फिक्स मैं बोल नहीं सकता, 2 इंपॉर्टेंट है तो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, तो इससे बेस्ट क्या है मैं ये कर लेता हूँ क्वेश्चन। एंड जो अपना सेकंड क्वेश्चन है प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग, ये अपना शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है, नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स है और लास्ट भी शॉर्ट नोट्स है, मतलब ये 3 क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं जिसमें से ये 2 इंपॉर्टेंट मैंने दिया है। तो आपको मॉड्यूल 3rd में कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, अगर किसी ने ए डिसाइड किया तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। एंड जिसमें 5 स्टार्स रखा है, जिसे मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें 5 स्टार करके रखा है, तो उसको सबसे पहले सब लोग बच्चे कवर करेंगे। लास्ट अगर मॉड्यूल की बात करेंगे तो मॉड्यूल नंबर 4 ए बी सी 3 पार्ट में डिवाइड है,
ए वाले में कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिख रहे हैं आपको, पांच। बी में भी कितने दिख रहे हैं सर, पांच क्वेश्चन दिख रहे हैं। सी में कितने दिख रहे हैं, चार दिख रहे हैं। तो चौथा सबसे पहले आप कवर कर लो, और चौथे में कौन सा कवर करोगे, देखो एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स पहला इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग सेकेंड इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपको क्लियर करना है, उसके बाद ही अदर दो रिमेनिंग करने हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं क्रिएट होना चाहिए। अब ए करूँ कि सर बी करूँ, आप सजेशन दो कौन सा करना चाहिए, तो आपके ऊपर डिसाइड है। अब ये यहाँ पे ऐसा टॉपिक है दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट मेरा सजेशन है ए वाले पार्ट को आप करो। क्यों ए वाले पार्ट को सर आपने सजेस्ट किया, तो इसका रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फाइव स्टार से दिख रहा है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा इस टॉपिक का, और इसका भी चांसेस जैसे मैंने बताया जहां पे फाइव स्टार्स आपको दिख जाएगा ना, तो इसका मतलब 90% क्वेश्चन लॉन्ग में वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बाकी ये जो तो दिख रहे हैं ना, ये शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं इसमें बात करूँ, कम्युनिकेशन प्रोसेस लॉन्ग में आएगा, एंड ए आई डी ए मॉडल आपका शॉर्ट नोट्स में आएगा, ब्रांड इक्विटी शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है, एंड रिमेनिंग दो क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट्स के। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो आगे मीन्स पहला और दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का, एंड बाकी तीनों शॉर्ट नोट्स के हैं, तो ऐसा डिवाइड हुआ है। तो बेस्ट है कोई आप एक सजेस्ट करो कि मतलब ए कर लो, अदरवाइज बी करो। तो मेरा सजेशन है ए और सी वाला आप करना है। तो इस तरीके से आपका एडवर्टाइजिंग का कंप्लीट, और आपको अच्छे से सजेशन लेना है, और एडवर्टाइजिंग की प्रिपरेशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अभी से करना चालू कर दो, ठीक है। ये मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया एडवर्टाइजिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आपका वीडियो आपको मिल चुका है। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, एंड आगे के कौन से टॉपिक चाहिए वो भी ऐड करते रहा करो। जिस सब्जेक्ट के बारे में बच्चे ज़्यादा डिमांड करते हैं वो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आ जाता हूँ। कोई भी डाउट्स, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा तो भी आप कॉमेंट बॉक्स में ऐड कर दो। कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हो तो भी आप कॉमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इस चैनल के थ्रू 12वीं क्लास से लेके डिग्री तक मीन्स ग्रेजुएशन लेवल तक जितने भी टोटल सब्जेक्ट्स है, जितने उसके लेक्चर्स पॉसिबल हो पाते हैं इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, दोस्त में, जितने भी रहेंगे कॉलेज ग्रुप में रहेंगे, उनको ये लिंक, आप वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट्स मिले, चाहे एफ वाई के हों, एस वाई के हों, अदरवाइज टी वाई के भी हों। टी वाई का सीरीज भी हम लोग ने चालू किया है ताकि नेक्स्ट ईयर जब आप लोग टी वाई में जाओ तो उसमें पहले से ही आपको काफ़ी वीडियो देखने मिल जाएंगे। जैसे प्रैक्टिकल मिलेगा या फिर सी एंड टैक्सेशन, तीन सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। थेरी का पार्ट जैसे यहाँ पे चल रहा है इसी वे में टी वाई में भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।